हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, तो आप नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस वाज 4 पर केजी, इट्स डिमांड वाज 1400 केजी। व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस 3.2 पर केजी, इट्स डिमांड वाज 1800 केजी। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक प्राइस दी हुई है, सो जो पहले प्राइस दी हुई है उसे हम P0 कहेंगे, P0। और क्वांटिटी जो दी हुई है, डिमांड दी हुई है, उस डिमांड को हम कहेंगे X0। सो प्राइस जब 4 था तो डिमांड था 1400, प्राइस जब 3.2 हुआ 20 हुआ तो डिमांड हो गया 1800। सो यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ये फॉर्मूला है, अगर P1, P0, X1, X0 दिया है तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों ही सेम है। आप देखिए यहाँ P1, P0 न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, और वही सिर्फ चेंज किया है। सो दोनों फार्मूला करेक्ट है, कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हो। बट अगर PX और डेरिवेटिव दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाना ज़रूरी हो जाएगा। सेम हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है उसमें भी दो फार्मूला हैं, P1, P0, X1, X0 हो तो ये फार्मूला, अदरवाइज हमें सेकंड फार्मूला लगानी होती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मैं आपको फार्मूलास आगे आपके बुक में दिखा दूँ, तो ये रही पेज नंबर 59 पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फार्मूला लिखी हुई है, एंड पीछे पेज नंबर 64 पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये जो साइन है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का साइन है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसा शो करते हैं, जैसे स्मॉल एन लिखते हैं ना, थोड़ा सा हाइट उसका ज़्यादा रहता है। चलिए सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 45। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखी, P1 की वैल्यू है 3.2, P0 प्लस 4, 3.2 माइनस 4, एंड X1 माइनस X0, 1800 माइनस 1400 एंड 1800 प्लस 1400। सो अब हमें मल्टीप्लाई करना है और सॉल्यूशन लेकर आना है। अब बाहर माइनस है, ठीक है, अंदर क्या करेंगे, तो 400 इंटू 7.2 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2880 एंड 0.8 इंटू 3200, सो माइनस 2560। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो फाइनली 2880 को डिवाइड करेंगे 2560 से, तो आंसर आ जाएगा 1.125। हम इसे 1.125 भी लिख सकते हैं या इसे 1.13 भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। तो देखिए, मैं समझता हूँ 2-3 मिनट्स लगेंगे आपको ये सम करने में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 45, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप इसे पहले नोट डाउन कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो मैं आपको आगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवाऊंगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन 46, व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर वाज 3 पर केजी, मींस P03, इट सप्लाई 2000 केजी, एंड द प्राइस ऑफ द शुगर इज 2.440 केजी, इट सप्लाई वाज 1800 केजी। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ शुगर एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है हमें। सो पहले वैल्यूज रख देते हैं, P1 2.40 प्लस P03 2.40 माइनस 3 इंटू X1 1800 माइनस 2000 एंड डिवाइड में 1800 प्लस 2000, ये हमने यहाँ पर रख दिया।
चलिए, सो नाउ पहले हम इसे प्लस कर देते हैं। सो 2.40 प्लस 3 तो ये जाएगा 5.40 एंड 2.40 माइनस 3 तो माइनस 0.60 आंसर आएगा। 1800 माइनस 2000 तो माइनस 200 एंड 1800 प्लस 2000 सो 3800। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू क्या बचेगी, 5.4 इंटू 200 सो 1080 एंड 0.6 इंटू 3800 सो 2280। सो 1080 डिवाइड बाय 2280 तो ये आंसर आ जाएगा 0.47। क्वेश्चन नंबर 46 एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इस साइन से शो करते हैं। सो ये हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 46। नोट डाउन कर लीजिए इसे भी आप। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको 45 एंड 46 ये दो सम करवाए, ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये x1 x0 वाली फार्मूला एक्सप्लेन की, p1 p0 वाली फार्मूला एक्सप्लेन की। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वाली फार्मूला करवाऊंगा, ये भी है सेम, सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव क्यों होता है, आप 11th में डिमांड का रूल सीख कर आए हो कि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, अपोजिट होता है, एंड प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होता है, इसलिए नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ये पॉइंट्स समझने वाले हैं। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं आगे के सम्स, ठीक है। जब तक आप ये क्वेश्चन 46 नोट डाउन कर लो।